दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन लव राशि फल दिसंबर 2021। दिसंबर का महीना मिथुन राशि वालों, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है, आपके रिश्ते का हाल कैसा रहेगा दिसंबर के महीने में, साल 2021 का लास्ट महीना, आखिरी का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या आपके लिए लेकर जा रहा है, किस प्रकार की स्थिति आपके रिलेशनशिप में निर्मित होंगी, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशि फल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, हमारा लव राशि फल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुनें। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों विशेष रूप से ग्रह गोचर में क्या घटनाएं होने वाली हैं, साल 2021 के लास्ट महीना यानी दिसंबर के महीने में कौन से मुख्य गोचर में परिवर्तन होने वाले हैं, क्या गोचर रहेंगे, गोचर में क्या घटनाएं होने वाली हैं, क्योंकि जो परिवर्तन होंगे ग्रहों के उन्हीं पर आधारित है आपका यह राशिफल। 4 दिसंबर को वृश्चिक में मंगल का प्रवेश होगा, मंगल अपनी स्वराशि के जाएंगे। 8 दिसंबर को मकर में शुक्र जाएंगे। 9 दिसंबर को धनु में बुध जाएंगे। 29 दिसंबर को बुध फिर से परिवर्तन करके मकर में जाएंगे और 15 दिसंबर को धनु में सूर्य की स्थिति होगी, सूर्य प्रवेश करेंगे। तो ये जो 5 परिवर्तन हैं, इन्हीं परिवर्तनों के आधार पर आपकी लव लाइफ में परिवर्तन होते हैं, आपकी लव लाइफ परिवर्तित यही ग्रह करते हैं। तो आपको ये 5 परिवर्तन क्या बड़े परिवर्तन देने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं उनकी, उसके बाद में आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, लव लाइफ की, मैरिड लाइफ की और खास करके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, और उसके बाद में वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं 3 राशियों के नाम। अगर 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो उन 3 राशियों के पार्टनर अगर आपके होते हैं तो आपकी लव लाइफ इस महीने बेहतर रहेगी, काफ़ी अच्छी रहेगी, और जो मैं नेगेटिव बातें बोलूंगा यहाँ पर वो भी आपके लिए पॉजिटिव बन जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर कैसा आपके लिए रहने वाला है गोचर की स्थितियों के द्वारा। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जो बिल्कुल सिंगल हैं, जो बिल्कुल सिंगल हैं उनके लिए तो देखा जाए आपका महीना, ये महीना ऐसा ही गया समझ लो। आप किसी से मिलने वाले नहीं हैं, आपके कोई खास दोस्त नहीं बनने वाले। अगर आपके कोई दोस्त भी नहीं है तो आपका कोई दोस्त नहीं बन सकता। अगर हाँ, अगर आप एक तरफा प्यार करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं, किसी को प्रपोज भी कर रखा है, उसने आपको इंतजार करवाया हुआ, आपको वेट करने के लिए कहा है, तो बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि आपके लिए तृतीय सूर्य जो हैं आपके वो परिवर्तन करेंगे। तो हो सकता है वो आपके कमिटमेंट को, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करे और आपको तुरंत ये बोले कि शादी करोगे, ये बात जरूर बोलेगा, शादी करोगे या नहीं, शादी को लेकर के सीरियस होगा और वो विशेष रूप से 15 दिसंबर के बाद में ही मानेगा, 15 दिसंबर के बाद में उसे एहसास होगा इस चीज का। और अगर आप किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उसको लेकर के भी यहां पर विशेष गणनाएं, जो कि बुध का परिवर्तन है, यानी कि 9 दिसंबर को धनु में बुध जाएंगे जब आपके सप्तम भाव में, तो ये इस चीज़ को दर्शाते हैं कि हाँ वही चीज़ हो गई यहाँ पे भी 9 दिसंबर के बाद में, फिर वो 15 दिसंबर से सूर्य का भी लागू हो जाएगा। तो शादी को लेकर के ही आप भी चाहेंगे कि शादी का पहले प्रॉमिस करवाया जाए, पहले कमिटमेंट लिया जाए, क्योंकि अगर शादी के कमिटमेंट को ऐसे ही हल्के में कोई कर देता है ना बातों बातों में, तो वो झूठ बोल जाता है, और बहुत सोच समझ के कोई करता है ना तो फिर वो उसका फैसला सही हो। और जो व्यक्ति आपके पीछे पड़ेगा वो तो ऐसे ही बातों में बोल जाएगा, कमिटमेंट दे जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति आपको पीछे घुमाएगा वो आपको पक्का ही वादा करेगा, झूठ नहीं बोलेगा। ये बुध है, वो शुक्र है, ये शुक्र और बुध का यहाँ पर संयोग काफी बेहतर आपके लिए योग बनाएगा, जिससे आपकी शादी का भी लव लाइफ में कमिटमेंट मिल सकता है, यानी कि आपके पार्टनर, लव लाइफ की अगर बात करें तो पार्टनर कमिटमेंट दे सकते हैं शादी को लेकर के। हाँ गुस्सा रहेगा, एक कहते हैं ना कि आपके लिए कुछ कर देंगे तो उसे जताएंगे बार बार, लव लाइफ में इस चीज़ का ड्रामा, इस चीज़ की बहस बहुत चलेगी, झगड़े भी चलेंगे उसको लेकर के, इतना करेंगे बार बार सुनाएंगे, मैंने तुम्हारे लिए ये किया,
ये किया वो किया, तो ये चीजें ज्यादा चलती हुई नजर आएंगी और बात बात पर आपको सुनाते जाएंगे। कुछ बातें आपके पास्ट की उठाकर लेकर आएंगे और आपको सुनाएंगे। आपका भी ओवर थिंकिंग का माइंड रहेगा, बात बात पर आपको भी पुरानी बातें जो झगड़े की बातें हैं, माफ भी कर दिया उन्हीं बातों पर, लेकिन अगला झगड़ा होगा तो उन्हीं बातों को फिर से शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी परेशानी भी क्रिएट करने वाली हैं, और ये 4 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में ज़्यादा होने वाला है, उसके बाद में थोड़ा कम होगा, लेकिन विशेष रूप से स्थितियाँ ऐसी रहने वाली हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कॉन्टैक्ट में आने की उम्मीद 11 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में बन रही है, यानी कि आपके एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं अधिक मात्रा में हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आपका जीना हराम करेगी, बहुत ज़्यादा जीना हराम करेगी आपके लिए, और बहुत विशेष आपके लिए खतरनाक होगा। यहाँ पर मंगल जो अष्टम में बहुत सारी स्थिति ऐसी बना देंगे कि थर्ड पार्टी आपको जीना हराम कर देगी, बहुत ज़्यादा आपके साथ में झगड़े वाद विवाद और बहस की स्थिति निर्मित कर दे, आपका स्वाभिमान चला जाए, आपका दिल बार बार टूटे, आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसी बातें बोले जिससे आपका बहुत दिल जख्मी हो जाए, तो ऐसी कई स्थितियाँ बनेंगी। तो थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम रहने वाली है मंगल की वजह से, और विशेष रूप से मंगल आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी भी, तो मैरिड लाइफ में देखा जाए तो मैरिड लाइफ में कोई बड़ी जिम्मेदारी को लेकर के भी झगड़े होंगे, तो जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको शादी इत्यादि को लेकर के, आपकी शादी इत्यादि को लेकर के, आपके अगर कहीं किसी पास्ट में शादी इत्यादि टूट गई थी उसको लेकर के बातें, या आपकी मैरिड लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर के समझाएंगे, कुछ बातें ऐसी करेंगे जिससे आपको टॉर्चर भी लगेगा और वो समझाएंगे भी। और मैं कह सकता हूँ बृहस्पति के वजह से आप काफ़ी सहनशील रहेंगे, काफ़ी चीज़ को सहन करेंगे, बर्दाश्त करेंगे, और अपने काफ़ी ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी स्थितियाँ हैं, मतलब यहाँ पर मैरिड लाइफ में अगर थर्ड पार्टी पर आप अपना कैसे भी आधिपत्य जमा लेते हैं, थर्ड पार्टी को साइड में हटा देते हैं, थर्ड पार्टी को चारों खाने चित्त कर देते हैं, मतलब थर्ड पार्टी से अगर आप जूझ गए, वो थर्ड पार्टी आपके कोई करीबी हो सकते हैं या रिलेटिव हो सकते हैं, अगर थर्ड पार्टी से जूझ गए आप और सही से जीत गए तो आपकी मैरिड लाइफ में ठीक स्थितियाँ बनती हुई नजर आएंगी, और ख़ास करके ठीक स्थितियाँ जो बनेंगी वो विशेष रूप से आपके लिए महीने की शुरुआत में ही बन जाए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि 8 दिसंबर के बाद में जब मकर में शुक्र का प्रवेश होगा तो आपको थोड़ा पार्टनर पर शक हो सकता है, पार्टनर आपका थर्ड पार्टी के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल होने की या फिजिकल होने की कोशिश कर सकता है, आपको कुछ बातें भी पता लग जाए। और ये इससे बुरा क्या होगा कि अगर किसी की पति या किसी की पत्नी को पता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल हो रहा है, हो रही है, इससे बुरा तो कुछ नहीं हो। और यही मैरिड लाइफ में एक आपके लिए बहुत बड़ा सत्य है जिस वजह से मैरिड लाइफ बिगड़ेगी, लेकिन आपको थर्ड पार्टी को हटा करके अपने आप को आगे रखना है, आपको अपने आप को आगे रखना है, तब चीज़ें आप सुधार पाएंगे। एक हक जमाना है, हक जताना है, सीधेपन से काम नहीं चलेगा कि सीधे बन जाओ और वो जो कर रहे हैं वो करने दो, कुछ आपको करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियां बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी हैं, यहाँ पर आपको बहुत प्यार मिलेगा। 8 दिसंबर के बाद में आपके फिजिकल रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे, खुशियां आपको मिलेंगी, मुलाकात होगी, घूमने फिरने जा सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको धन की प्राप्ति होगी, यानी कि आपके पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट उपहार या कोई मदद आपकी कर दें, ऐसा धन जिसे आप किसी को बता ना सकें और दूसरों से छिपा करके खर्च करना पड़े, ऐसा कोई धन आपको प्राप्त हो सकता है आपके पार्टनर के द्वारा। तो ये स्थिति होती है दोस्तों आपके लव राशि फल की। दिसंबर का महीना आपके लिए ऐसा रहने वाला है। अगर आपको लव राशि फल पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, और अब जान लेते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपकी लव लाइफ बिंदास और बिल्कुल एकदम धमाकेदार रहेगी। सबसे पहली राशि है सिंह राशि, दूसरी राशि है कुंभ राशि, तीसरी राशि है मेष राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आप बहुत ही लकी और आपका महीना ये शानदार रहने वाला है दोस्तों। अगर आपको लव राशि फल पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।